हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो, इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही पाइल वन, पाइल टू और पाइल थ्री सेट करके रखी है। आप 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनमें से कोई एक पाइल चुन सकते हैं। आज मैंने आपको चूज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए अलग अलग प्रकार के जेड, ये जेड ही है बट अलग अलग शेड में है, इसलिए मैंने उनको पाइल के ऊपर प्लेस कर दिया है। तो जो भी अगर जेड आपको अट्रैक्ट करता है, आप उस जेड को चूज कर सकते हो और अपनी पाइल चूज कर सकते हो। प्लीज याद रखिएगा, आपको एक ही पाइल चूज करनी है ताकि आपको आपके पार्टनर की एग्जैक्ट फीलिंग्स पता चल पाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी, टैरोट कार्ड रीडिंग के रिगार्डिंग मैं वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मेरे चैनल पर डेली वीडियो डालती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने अब तक ये पाइल चूज कर ली होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल वन की तरफ और चेक करते हैं पाइल वन में, पाइल वन के पार्टनर की, उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। तो चलिए देखते हैं। आई नीड टू डील विद माई ओन प्रॉब्लम्स राइट नाउ। ओके, सो पाइल वन, आपके पार्टनर जो है ना, एक ऐसे इंसान है जिनकी लाइफ में अभी ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। भले ही आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप हस्बैंड एंड वाइफ हो और ये वीडियो चेक कर रहे हो, आपके पार्टनर जो है ना, उनके लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर उनके इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी मतलब ऑफिस में परेशानी हो जिसकी वजह से उनकी लाइफ अभी स्टक हो गई है। वो परेशान है उस चीज़ को लेके, उसकी वजह से ना वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके पार्टनर आपको कम टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनको समय दीजिए जब तक वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना कर ले, ठीक है। इस वजह से आपके रिश्ते में कोई परेशानी या अड़चन नहीं आनी चाहिए। यही फीलिंग्स आपके पार्टनर की है आपके लिए, यही वो चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि उनके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से निपटा देंगे, वो अभी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है पाइल वन। अब बढ़ते हैं पाइल टू की तरफ और देखते हैं कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। We come from a different world. Oh my God. तो पाइल टू, आपने अगर ये पाइल टू चूज करी है ना, तो सच में आप कोई ऐसे व्यक्ति हो और आपके पार्टनर भी कोई ऐसी व्यक्ति है ना, जो आप दोनों अलग अलग दुनिया को बिलोंग करते हो। हो सकता है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप खुद के सिचुएशन के हिसाब से उसे रिलेट कर लीजिएगा। जैसे कि कोई ज़्यादा अमीर है या कोई ज़्यादा गरीब है, या कोई मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, एकदम ही उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। तो आप दोनों को भगवान जी ने, यूनिवर्स ने मिलाया है, क्योंकि आपके अंदर ना एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है। भले ही आप अलग अलग वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, बट आपका लव रिलेशनशिप जो है ना स्टार्ट हुआ है, भले ही आप अलग अलग दुनिया से आ रहे हो। तो आपका लव जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, ये बात आपके पार्टनर को भी पता है। उनको कभी कभी इस बात की दिक्कत आ जाती है उनके मन में कि हम दोनों बहुत अलग अलग दुनिया से आए हुए हैं, मतलब अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। तो कई बार सेम थॉट पे आने के लिए, एडजस्ट होने के लिए टाइम लग जाता है, भले ही हम एक दूसरे के साथ कितना भी प्यार ना करें या ना करें, ठीक है। तो यही फीलिंग आपके पार्टनर के मन में चल रही है कि बहुत सारी जगह पे डिफरेंसेस होने की वजह से आप में कोई तनाव ना आ जाए आपके रिश्ते में। यही जो बात है ना, आपके पार्टनर को सताती रहती है। तो आप उनसे थोड़ा सा मीटिंग करके उनको सहला के अच्छे से बता सकते हो और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर आपके ज़िंदगी में अभी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो, ठीक है पाइल टू। सो आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हो गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं पाइल थ्री की तरफ। आई लव यू। ओके पाइल थ्री, तो मतलब मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका मैसेज आपके लिए हद से ज़्यादा क्लियर है। आपके पार्टनर जो है आपको बस बेतहाशा प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप अभी रिसेंटली न्यू रिलेशनशिप में आए हो, न्यूली मैरिड कपल हो या समथिंग कुछ भी, आपके
जो रिलेशनशिप है ना उसमें बेतहाशा प्यार है। आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं और हालांकि एक्सप्रेस भी करते रहते हैं बार 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 बार। आपके जो पार्टनर है ना आपको इस तरह से चाहते हैं कि आपको उनकी हर झलक में पता चलता है कि वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। इवन अगर कोई देखेगा उनको तो वो भी पर्सन ये बता देगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कितनी प्यार भरी है, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है पाइल थ्री, तो आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग पाइल वन, पाइल टू और पाइल थ्री के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके पाइल्स के अकॉर्डिंग मैच करती है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप मैनिफेस्टिंग एंड बी हैप्पी विद योर पार्टनर। बाय गाइज़।